हेलो एवरीवन, सो अब हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड मोमेंटम इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ वन मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंटेनर कैरिंग वाटर इज मूव्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कंटेनर कैरिंग वाटर, जो कंटेनर है जो वाटर को कैरी कर रहा है वो कहाँ मूव कर रहा है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ax हो जाएगा 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द फ्री वाटर सर्फेस टू द हॉरिजॉन्टल इज, अब हॉरिजॉन्टल पे जो फ्री सर्फेस वाटर कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया, बहुत पहले पूछा गया था, 88 में पूछा गया था, तो ऐसे टाइप के ज़्यादा आते नहीं, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया था। तो टेन थीटा होता है टेन थीटा होता है ए एक्स बाय जी, एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बाय आपका स्मॉल जी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है आपका। सो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 2.45 बाय 9.81, ये 2.45 है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो थीटा आएगा आपका 14.04 डिग्रीज। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट है, इफ फ्लो कंडीशन सेटिस्फाइज लैपलेस इक्वेशन द, अब ऑप्शन क्या है, फ्लो इज रोटेशनल, फ्लो डज नॉट सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्लो इज इरोटेशनल बट डज नॉट सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्लो इज रोटेशनल एंड सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो जहाँ पर भी कंटिन्यूटी इक्वेशन, इरोटेशनल, ये सब भी आया है ना, तो वहाँ पर हम आपका पोटेंशियल फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन दैट इज साई, इसका टेबल है वो ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें दो ऑप्शन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो नहीं कर रहा है, फ्लो डज नॉट सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन तो फॉलो करेगा ही करेगा, चाहे आपका वेलोसिटी फंक्शन हो या आपका स्ट्रीम पोटेंशियल फंक्शन हो, चाहे जो भी हो, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ये भी बट डज नॉट सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये भी बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गया, तो दोनों फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, लैपलेस इक्वेशन, लैपलेस इक्वेशन फॉलो करेगा, तो इसमें आता है रोटेशनल और आपका इरोटेशनल, दो चीज आता था, ठीक है। तो लैपलेस इक्वेशन फाइव में तो फॉलो करता था, तो ये क्या हो जाता, इरोटेशनल होता था। अब इसमें दोनों केस पॉसिबल है, साई में जो है दोनों पॉसिबल है, आपका लैपलेस इक्वेशन फॉलो कर भी सकता है या आपका नहीं भी कर सकता है। अगर लैपलेस इक्वेशन फॉलो नहीं कर रहा है तो ये आपका रोटेशनल हो जाता था, अगर लैपलेस इक्वेशन फॉलो कर रहा है तो ये आपका इरोटेशनल हो जाता था, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन तो फॉलो करेगा ही करेगा, ये आपका दोनों केस का है ना। तो ये आपका लैपलेस इक्वेशन क्या है, लैपलेस इक्वेशन फॉलो कर रहा है, लैपलेस इक्वेशन फॉलो कर, ये नहीं बताया गया कि आपका वेलोसिटी फंक्शन है कि आपका स्ट्रीम पोटेंशियल फंक्शन है, बस ये बोला लैपलेस इक्वेशन फॉलो कर रहा है, तो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन तो चाहे दिया होता या ना दिया होता, चाहे लैपलेस इक्वेशन अगर फॉलो नहीं भी कर रहा होता ना, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन तो फॉलो करेगा ही करेगा, तो बी और सी तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। अब लैपलेस इक्वेशन फॉलो करे तो इसमें क्या हो जाएगा, इज रोटेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो रोटेशनल बोला है, तो ये भी गलत हो गया, बचा का सर डी, तो डी सही होना चाहिए, तो फ्लो इज रोटेशनल एंड सेटिस्फाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो इज रोटेशनल भी है और आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन भी फॉलो करेगा, सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ द फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल को हम फाइव से डिनोट करेंगे। अब इनमें से कौन सा वेलोसिटी पोटेंशियल, अब कोई भी चीज़ है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन तो फॉलो करेगा, उसके लिए आपको यू चाहिए, वी चाहिए, है ना, डेल यू बाय डेल एक्स वो सबको, तो यहाँ पर तो यू आपको पता ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब आपका वेलोसिटी पोटेंशियल है, उसमें क्या पता है आपको, उसमें ये पता है कि आपका ये वेलोसिटी पोटेंशियल लैपलेस इक्वेशन फॉलोगा, मतलब डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल जेड स्क्वायर, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, डेल स्क्वायर फाई बाय डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे, इसमें किसी में जेड नहीं है तो ये वाला टर्म ऑटोमेटिकली जीरो का लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर तीनों का सम, दोनों का सम लिख देंगे, दैट इज लैपलेस इक्वेशन, ठीक है। अब सबका डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं, मतलब दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले में टू एक्स दूसरे में टू, यहाँ पर अगेन टू एक्स दूसरे में टू, माइनस दोनों में प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर पहले में क्या आएगा फोर एक्स वाई स्क्वायर, दूसरे में फोर वाई स्क्वायर आ जाएगा, है ना, इसमें से पहले में 3x square, दूसरे में 6x square, ठीक है, ये आ गया। अब डेल स्क्वायर फाइव बाय डेल वाई स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा 2y आ जाएगा पहले में, दूसरे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका पहले में माइनस 2 हो जाएगा, दूसरे में माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4x square y, फिर दूसरे में, दूसरे डिफ्रेंशिएशन में आपका 4x square, ये हो गया। यहाँ पर पहले में माइनस 3x माइनस 3y cube, फिर दूसरे में माइनस 6 y स्क्वायर, ये हो गया। अब सबको इन दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 4, इन दोनों को 0, इन दोनों को 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर,
इन दोनों को 6x² - 6y². अब इनमें से लैप्लेस इक्वेशन जीरो केस में है, सेकंड वाले केस में, तो लैप्लेस इक्वेशन कहाँ फॉलो करेगा? आपका बी वाले केस में। तो जो भी लैप्लेस इक्वेशन फॉलो कर रहा है आपका, वो क्या होगा? वेलोसिटी पोटेंशियल। वेलोसिटी पोटेंशियल आपका लैप्लेस इक्वेशन फॉलो करता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, टू फ्लो पैटर्न्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर स्ट्रीम फंक्शंस दैट इज phi1 एंड phi2 आर गिवन बिलो। phi1 phi2 आपको गिवन है। इफ दिस टू पैटर्न्स आर सुपर इम्पोज टू वन अनदर द रिजल्टिंग स्ट्रीमलाइन पैटर्न कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। दोनों को सुपर इम्पोज कर लिया, मतलब phi इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट होगा phi1 प्लस phi2, तो ये हो जाएगा x² - y² + 2xy। ये हो गया। ये किसका इक्वेशन हो गया? ये आपका हो गया फैमिली ऑफ हाइपरबोला। ये हाइपरबोला का हो गया, तो इनमें से क्या हो जाएगा? फैमिली ऑफ हाइपरबोलास। तो ये आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ लेंगे आपका इक्वेशन किस में आ रहा है। तो ये आपका हाइपरबोला का इक्वेशन। नेक्स्ट, लेट एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी इन स्टेडी इज, यहाँ पर इज स्टेडी, टू डायमेंशनल भी बोला, स्टेडी भी है, टू डायमेंशनल एंड इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब रो वन इज इक्वल टू रो टू है। ठीक है, डेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इनकम्प्रेसिबल। फ्लो बी लीनियर ऑफ एक्स एंड वाई सच डेट वी इज इक्वल टू ax प्लस बीवाई ऑफ आई प्लस cx प्लस dy ऑफ j। तो ये i कंपोनेंट है, j कंपोनेंट, मतलब ये क्या हो गया? ये स्मॉल u है, ये स्मॉल v, तो ये कैपिटल v है, ध्यान रखना स्मॉल v कैपिटल v अलग रहेगा, ये इन y डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। वेयर ए बी सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट्स द कंडीशन फॉर विच द फ्लो इज इरोटेशनल। इरोटेशनल किस में होगा? इरोटेशनल केस में क्या कंडीशन हो जाएगा? इरोटेशनल के लिए क्या रहता है? जो आपका ओमेगा एक्स इज इक्वल टू जीरो, ओमेगा वाई इज इक्वल टू जीरो, ओमेगा जेड इज इक्वल टू जीरो, ये रहते हैं। ठीक है, तो ओमेगा कैसे निकलता है? ओमेगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट आई जे के डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। अब यहाँ नीचे क्या आएगा? ये एक्स में क्या था? x डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी, y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई। वाई डायरेक्शन में क्या है? सी एक्स प्लस डी वाई। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका जीरो है। ठीक है, तो अगर डब्ल्यू एक्स निकालोगे ना, मतलब इसको आप हटा दोगे, ठीक है, तो ये आपका जीरो, आपका डेल बाय डेल जेड ऑफ ये आपका जीरो आएगा। निकाल के देख लेना, निकाल ही लेते हैं। डब्ल्यू एक्स क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ आपका, ये आपका माइनस में रहेगा ना। ठीक है, तो ये आपका डेल बाय जेड, डेल जेड ऑफ, ये आपका माइनस लिख लेते पहले, जे के लिए माइनस, तो के ऑफ डेल बाय डेल जेड ऑफ सी एक्स प्लस डी वाई, तो यहाँ पर तो जेड है ही नहीं, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ जीरो, तो जीरो बाय जीरो, तो ये आपका जीरो है, है ना। इसी तरीके से ओमेगा वाई, ये क्या हो जाएगा? ओमेगा वाई आप करेंगे तो ये वाला जीरो ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें डेल बाय डेल एक्स ऑफ जीरो, ये आपका जीरो हो जाएगा, हाफ ऑफ जीरो माइनस। अब डेल बाय डेल जेड ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ये भी आपका जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा। मतलब ये आपका बाय डिफॉल्ट जीरो ही जाएगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं आएगा। तो जो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, वो आपका ओमेगा जेड निकालना है। तो ओमेगा जेड क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ, तो ये वाले रो को हटा देंगे। ठीक है, अब डेल बाय डेल एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी वाई, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी वाई क्या आ जाएगा? सी एक्स है, यहाँ पर एक्स टर्म है, तो ये आपका सी। माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पर क्या है? ये आपका बी है। ठीक है, तो माइनस था, ये आपका सी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी इज इक्वल टू बी आएगा। तो नेसेसरी कंडीशन क्या हो जाएगा? सी इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस। इसमें अब रीजन है, गेट में रीजन तो पूछा नहीं जाता, तो रीजंस आपको ढूंढना, तो अलग से पढ़ लेना, मैं रीजन डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पर, ट्रू और फॉल्स बता देंगे। फ्लो लाइंस एंड लिक्विड पोटेंशियल लाइंस इन अ फ्लो नेट और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। फ्लो लाइंस इक्विड पोटेंशियल लाइंस क्या है? ये आपका फ्लो लाइंस इक्विड पोटेंशियल लाइंस हम जियोटेक में अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, वहाँ पर देख लेना, है ना, ये आपके क्या होता है? ये आपको ऑर्थोगोनल रहते हैं, तो ये आपका सही हो गया। वाटर प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक एट ऑल पॉइंट्स ऑन अ पोटेंशियल लाइन, तो पोटेंशियल लाइन इज देयरफॉर एन इक्विपोटेंशियल लाइन। जो वाटर प्रेशर रहता है एटमॉस्फेरिक, वो वाटर प्रेशर ऑन पोटेंशियल लाइन क्या होता है? वो आपका एटमॉस्फेरिक रहता है, सभी में, सभी पॉइंट्स में क्या रहेगा? वैल्यू एटमॉस्फेरिक रहेगा, तो सभी में आपका वैल्यू जब सेम है तो क्या हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया, तो ये भी आपका ट्रू है, तो दोनों आपका ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, x कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी इन 2D इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज गिवन बाय u इज इक्वल टू y² + 4xy। ठीक है, आपका जो x कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या है? u ही दिया है। द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v इक्वल टू 0 एट y इज इक्वल टू 0, जो v है ना एट y इज इक्वल टू 0 दिया है, v एट y इज इक्वल टू 0 का वैल्यू 0 दिया है, v का वैल्यू हमें नहीं पता, तो देन एक्सप्रेशन फॉर v निकालना है। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है ना, u और v दोनों दिया है, तो तुरंत चुपचाप आप लगाना कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये होता है डेल u बाय डेल x प्लस डेल v बाय डेल y इज इक्वल टू 0। एक्चुअल कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? डेल रो बाय डेल t प्लस डेल ऑफ
रो यू बाय डेल एक्स ये हो गया प्लस डेल ऑफ रो वी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो. थ्री डायमेंशनल में तो डेल ऑफ रो डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर वाई हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल बोला है, मतलब रो आपका कांस्टेंट है ना, रो कांस्टेंट है तो रो हटाएंगे ऐसा कुछ बन जाएगा. और यहाँ पर डेंसिटी दिया ही नहीं है तो इसको हटा देंगे, तो ये आपका ये इक्वेशन हो गया. अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं u का डेल बाय डेल एक्स ऑफ u, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो आपका वाई जीरो हो गया, यहाँ पर क्या है फोर एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा फोर वाई प्लस डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू जीरो. तो डेल वी बाय डेल वाई क्या हो जाएगा माइनस फोर वाई, ठीक है ये हो गया. तो v निकालेंगे इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट. तो यहाँ पर आपका कॉन्स्टेंट को इग्नोर करेंगे, एक्सप्रेशन पूछा गया माइनस टू वाई स्क्वायर तो रहना ही रहना है, ठीक है ये तो एसेंशियल है. इसमें कौन सा है माइनस टू वाई स्क्वायर, तो c इज द करेक्ट. अच्छा सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, तो y इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस सी, तो c क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा. तो वापस c पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू माइनस टू वाई स्क्वायर, ठीक है ये आपका आंसर हो गया. तो सी आपका आंसर हो गया. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, तब एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल इज स्टेडी इन, ये आपका इन होना चाहिए, इन ए स्टेडी वन डायमेंशनल फ्लो इज, वन डायमेंशनल फ्लो में क्या रहना चाहिए एक्सेलरेशन, तो आपका एक्सेलरेशन क्या रहता है ए एक्स होता है, ए वाई रहता है आपका ए जेड है ना, ये एक्स में वाई में जेड में. अब आपका वन डी है तो एक्स वाई जेड में वेलोसिटी क्या हो जाएगा यू, इसमें क्या हो जाएगा ये आपका जीरो जीरो हो जाएंगे, जो आपका वी और डब्ल्यू जीरो हो जाएंगे वन डी में, ठीक है. अब सपोज वन डायमेंशनल तो ऑब्वियसली ए एक्स का निकालेंगे है ना, तो वैसे तो कोई बोला नहीं है वाई जेड में, हम वन डायमेंशनल तो ए एक्स में हम निकालना ये ज्यूम करते, ठीक है ओके. तो ए एक्स क्या होता है, अब आपको एक्सप्रेशन अगर याद नहीं है तो आप डेराइव कर लेना, तो ये क्या होता है डेल एक्स बाय डेल सॉरी डेल यू बाय डेल टी, ठीक है. इसको क्या करेंगे डेल यू बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल टी प्लस डेल यू बाय डेल वाई इंटू डेल वाई बाय डेल टी, ठीक है प्लस डेल यू बाय डेल जेड इंटू डेल जेड बाय डेल टी प्लस डेल u बाय डेल्टे, ठीक है. तो आपका तो ये क्या है ये स्टेडी है तो ये हट जाएगा है ना. इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आपको वैसे ही थ्योरी में डिस्कस किया गया था, आप आराम से कर लेना. तो ये होगा यू बाय डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आपका v ऑफ डेल यू बाय डेल वाई प्लस w डेल यू बाय डेल जेड, ठीक है ये हो गया. लेकिन u और w क्या ये आपका जीरो है, तो आपका बच्चा क्या है u ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक है. तो b इज द करेक्ट आंसर. वन डी में ही पढ़े थे कि आपका v और w जीरो हो जाता है, वेलोसिटी कंपोनेंट सिर्फ u रहता है 1D में, ठीक है ये हो गया b इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इन अ स्टेडी रेडियल फ्लो, रेडियल मतलब नॉर्मल है ना, नॉर्मल इन टू एन इंटेक्ट द वेलोसिटी इज फाउंड टू वेरी एज 1 बाय r स्क्वायर, मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर वेयर r इज अ रेडियल डायरेक्शन द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा. अब रेडियल डायरेक्शन में मतलब नॉर्मल या रेडियल एक्सेलरेशन जानना है तो वो क्या होता है, वो होता है v स्क्वायर बाय r. यहां पर v क्या है ये आपका वेलोसिटी ये गिवन है, ठीक है. तो v क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 1 बाय r स्क्वायर का पावर स्क्वायर इंटू r, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय r 5, ठीक है ओके. तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू 1 बाय r 5 या इज प्रोपोर्शनल टू, यहां पर v स्क्वायर प्रोपोर्शनल लिए ना, तो v इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r रहता है, लेकिन ये v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है. इसको थोड़ा फिर से सॉल्व करते हैं, v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर ये गिवन है. नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है v स्क्वायर बाय r, यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा रहता है vs, ये आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी लेते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी भी टेंजेंशियल दिया है ना. अब ये मत बोलना नॉर्मल क्यों नहीं दिया, स्ट्रीम लाइन में नॉर्मल आपका जीरो रहता है, ठीक है. अब ये हुआ, अब जैसे v इज प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ 1 बाय r स्क्वायर, तो an प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1 बाय r स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर इंटू r, तो an प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r 5 ये आपका आंसर हो गया. तो a इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट, अब द रिलेशन डेट मस्ट होल्ड गुड फॉर द फ्लो टू बी इरोटेशन, इरोटेशन में क्या होता है आपका ओमेगा जीरो रहता है, ओमेगा z या ओमेगा x या ओमेगा y ये आपके जीरो रहेंगे, ठीक है. तो ओमेगा z नॉर्मली हम ओमेगा z ही सॉल्व करते हैं, ये दिया रहता है, ठीक है. तो तीनों को देख सकते हैं, इसमें क्या रहता है हाफ डेल u बाय डेल y माइनस डेल v बाय डेल x है ना, इसमें ये रहा ओमेगा x में आपका रहेगा ये रहता है आपका डेल v बाय डेल z माइनस डेल w बाय डेल y, इसमें ओमेगा y में आपका हाफ ऑफ डेल w बाय इसमें सॉरी डेल यू बाय डेल जेड माइनस डेल ओमेगा बाय
डेल एक्स है ना, ये रहता है, ये तीनों में से कोई भी जीरो रहेगा मतलब क्या है इरोटेशनल है ना। यहाँ पर क्या है माइनस, तो डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जीरो है, जीरो यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा जेड जीरो हो जाएगा, मतलब ये इरोटेशनल होगा, मतलब ए तो सही है। दूसरा डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई ये इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर कहीं पर है क्या डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स का टर्म ही नहीं रहता ठीक है, तो ये तो इक्वेशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर तो लैपलेस इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो है, तो ये आपका इरोटेशनल होता है क्या अगर लैपलेस इक्वेशन फॉलो कर रहा है तो, ठीक है एक सेकेंड सॉरी, ये आपका यू और वी है, अगर लैपलेस इक्वेशन अगर फाई फॉलो करता ना या साई फॉलो करता तब इरोटेशनल होता, तब वो आपका इरोटेशनल होता, तो यहाँ पर तो यू और वी ले रहे हैं ठीक है, तो ये आपका नहीं रहेगा, ये भी गलत है। इसमें डेल यू बाई डेल वी प्लस डेल वी बाई डेल एक्स है प्लस, तो यहाँ पर तो माइनस है ना, इनमें से कोई एक जीरो होना चाहिए, तो आप सब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है। ओके, फॉर अ टू डायमेंशनल इरोटेशनल फ्लो, टू डायमेंशनल इरोटेशनल दिया है ठीक है, द वेलोसिटी पोटेंशियल इज डिफाइंड एज फाई इज इक्वल टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल स्ट्रीम फंक्शन साई फॉर दिस फ्लो, ठीक है ये दिया है। अब टू डायमेंशनल इज रोटेशनल फ्लो है, साई दिया है फाई निकालना है, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, यू इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी एक्स, डी फाई है ये है ना, लेकिन यू इज इक्वल टू आपका माइनस डी साई बाई डी वाई भी तो होता है ना, तो दोनों तरफ यू है, तो मतलब डी माइनस डी फाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी साई बाई डी वाई हो जाएगा ठीक है, या इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा डेल फाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल साई बाय डेल वाई हो गया। अब डेल फाई, अब आपका एक्स फाई दिया है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर टू एक्स हो जाएगा ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आप मैं से पढ़ लेना अच्छे से, मैं यहाँ पर अच्छे से नहीं बताऊँगा, तो डेल साई बाय डेल वाई सॉरी ये आपका डेल हो गया, तो साई क्या हो जाएगा इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो ये हो जाएगा आपका इसको टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, टू एक्स आपका कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टू ऑफ टू एक्स ऑफ टेन इन टेन इनवर्स वाई बाय एक्स डिवाइड बाय एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा टू ऑफ टेन इनवर्स वाई बाय एक्स ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ प्लस कॉन्स्टेंट होगा तो कॉन्स्टेंट को इग्नोर करेंगे, कॉन्स्टेंट या फंक्शन ऑफ एक्स जो भी, टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स ये तो रहना ही चाहिए ठीक है, तो ये किस में है ये है ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, बाकी कॉन्स्टेंट और हो सकता है तो उसको हम इग्नोर करेंगे ठीक है। ये पॉसिबल स्ट्रीम फंक्शन बोला ना, पॉसिबल में आपका ये वाला तो होना ही चाहिए टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपका द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन अ टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज गिवन बाय यू इज इक्वल टू 1.5 एक्स एट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू 1, 0, मतलब एक्स है आपका 1 वाई है 0, द वाई वेलोसिटी द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी इज इक्वल टू 0, द इक्वेशन ऑफ द y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज, यू कंपोनेंट का वेलोसिटी दिया है, y कंपोनेंट का वेलोसिटी निकालना है ना, इसका कंडीशन भी गिवन है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए u का गिवन है y का निकाल सॉरी x का भी ना y का निकालना है, कौन सा इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो ये क्या बोलता है डेल u बाय डेल x प्लस डेल v बाय डेल y, टू डायमेंशनल बोला गया है तो आपका डेल w बाय डेल z नहीं लिखेंगे इज इक्वल टू 0 ठीक है। अब u है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा 1.5 प्लस डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0, तो डेल वी बाई डेल वाई क्या हो जाएगा माइनस 1.5, तो v क्या हो जाएगा माइनस 1.5 वाई प्लस सी, ये हो गया ठीक है। अब यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करें सॉरी y इज इक्वल टू 0 पुट करें और x इज इक्वल टू 1, यहाँ तो x है ही नहीं, तो यहाँ पर v क्या हो जाएगा v आपको 1 मिलेगा ठीक है, सॉरी v इज इक्वल टू 0 मिलेगा, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, तो c इज इक्वल टू 0 हो गया, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1.5 y ठीक है। सो इसमें कौन सा सही है, इसमें आपका d इज द करेक्ट आंसर, ये मत लगा देना इसमें माइनस नहीं है, माइनस इसमें लगाना है, सो बेसिक से बेसिक आपका साइन का ध्यान रखना माइनस प्लस सब, सो d इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट है फ्रिक्शनलेस फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो फ्लो थ्रू अ बेंट पाइप एज शोन बिलो, if a is the cross sectional area v is the velocity of flow force exerted on the segment 1 2 pe force lagana hai of the pipe in x y directions r x aur y directions pe hame nikalna hai r respectively, to pehle to x direction mein nikalte hai to ye kya ho jayega rho q aapka v 2 माइनस वी वन, कौन से डायरेक्शन में एक्स, तो वी टू वन माइनस वी वन एक्स ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है वी गिवन है, यहाँ पर क्या है वी गिवन है, मतलब टू पे भी वी है वन पे भी वी है, तो रो क्यू वी माइनस वी ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ये आपका जीरो हो गया। अब सिग्मा, अब वाई डायरेक्शन में, तो रो क्यू
वी टू वाई माइनस वी वन वाई, दोनों में वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है क्या, दोनों तो एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो दोनों में वेलोसिटी जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, रो क्यू जीरो माइनस जीरो, ये आपका क्यू है, रो क्यू जीरो माइनस जीरो, तो हो गया जीरो, तो दोनों का आंसर क्या है, जीरो, मतलब सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, द इनर ट्रेसर इज इंजेक्टेड कंटिन्यूअसली फ्रॉम अ पॉइंट इन एन अनस्टडी फ्लोड फील्ड, द लोकस ऑफ द लोकेशन ऑफ द ट्रेसर पार्टिकल्स एट इंस्टेंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट स्ट्रीम लाइन पाथ लाइन स्ट्रीम ट्यूब स्ट्रीक लाइन, इनमें से कौन है, तो आपका जो कौन सा पाथ ट्रेवल करेगा, तो ये इमेजिनरी नहीं है, इमेजिनरी नहीं है मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रीम लाइन तो हो ही नहीं सकता, सॉरी ये तो स्ट्रीम ट्यूब, स्ट्रीम ट्यूब पहली बात तो होता ही क्या है, स्ट्रीम ट्यूब तो कुछ होता ही नहीं है, है ना, इमेजिनरी नहीं है तो स्ट्रीम लाइन नहीं हो सकता, मतलब क्या बचा, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन। पाथ लाइन क्या होता है, सिर्फ एक पार्टिकल्स कैसे ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो पार्टिकल्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्ट्रीक लाइन हो जाएगा, मेन डिफरेंस ये है, ये आपका सिर्फ एक पार्टिकल है, ये आपका पार्टिकल्स है, ठीक है, तो ये आपका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर वाटर पाइप शोन इन द स्केच आर फ्लोइंग फुल, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इन ब्रांच पाइप आर इज, यहाँ पर आपका सभी का एरिया दिया है, सॉरी सभी का डायमीटर गिवन है ना, और सभी का वेलोसिटी गिवन है, आपको यहाँ का वेलोसिटी नहीं पता है, सिंपल इक्वेशन, ये आपका इनलेट है, ये आपके दो आउटलेट है, कंटिन्यूड इक्वेशन लगाएंगे, सपोज ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, सो ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू प्लस ए थ्री वी थ्री, एरिया कितना है, पाई बाई फोर डी वन स्क्वायर, डी वन स्क्वायर मतलब आपका कितना है, फोर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी सिक्स इज इक्वल टू ए टू पाई बाई फोर इंटू यहाँ का डायमीटर कितना है, फोर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कितना है, फाइव प्लस पाई बाई फोर इंटू यहाँ का डायमीटर कितना है, टू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, ये हमें निकालना है, तो पाई बाई फोर पाई बाई फोर पाई बाई फोर तो कैंसिल हो गया, इसको और कैसे, इसको ये आपको वी निकालना है, तो टू स्क्वायर इंटू वी, अच्छा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, सिक्सटीन इंटू सिक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन इंटू फाइव प्लस फोर इंटू वी, ये हो गया, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रीअरेंज करेंगे, सिक्सटीन कॉमन ले ले सिक्स माइनस फाइव बाय फोर, तो ये आपका वन हो गया, ये वन जा, ये आपका फोर जा, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, अगर यूनिट दिया है, हाँ मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया है आपका, फॉर अ 2D फ्लो फ्लूड द स्ट्रीम फंक्शन फाइव इज गिवन, साई इज गिवन बाय 1.5 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्चार्ज कैरिंग बिटवीन द स्ट्रीम लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0334, तो डिस्चार्ज निकालना, डिस्चार्ज क्या होता है आपका, साई 2 माइनस साई 1 का मॉड, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता, साई 2 क्या हो जाएगा, साई दिया ना, तो ये आपका 1.5, अब साई 2 में 34 पुट कर देंगे, तो ये आपका 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस साई 1 में 1.5, आपका 0.3 पुट कर देंगे, तो x तो का वैल्यू 0 है, y का क्या हो जाएगा 3, तो 1.5 3 स्क्वायर, ये हो गया, अब इसको सॉल्व कर लो, 1.5 तो कॉमन आ गया है ना, तो आपका 4 स्क्वायर 16 माइनस 9 माइनस 9, ये हो गया 16, सॉरी ये आपका मॉड है ना, तो 9 माइनस 9 18, ये आपका 16 माइनस 18 माइनस 2, ठीक है, तो 1.5 इंटू माइनस 2, ये आपका मॉड में, तो यह जाएगा माइनस 3, तो माइनस 3 का मॉड 3, 3 इज द आंसर, सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, एन इनकम्प्रेसिबल होमोजेनस फ्लूड इज फ्लोइंग स्टेडीली इन अ वेरिएबल डायमीटर पाइप हैविंग द लार्ज एंड स्मॉल डायमीटर्स आज 15 एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, है ना, ये आपका डी वन 15 है सेंटीमीटर, डी टू 5 सेंटीमीटर है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द सेक्शन एट 15 सेंटीमीटर डायमीटर पोर्शन ऑफ द पाइप इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूड ये आपका है एट 5 मीटर पर 5 सेंटीमीटर कितना होगा, ये आपको वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, तो सिंपल है, आपका क्या यूज होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन, एक डायमीटर दिया उसके रेस्पेक्ट वेलोसिटी गिवन है, दूसरा डायमीटर उसमें वेलोसिटी आपको निकालना है, तो ये आपका ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, तो ये आपका पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वायर डेट इज 15 स्क्वायर इंटू 2.5 इज इक्वल टू ए टू कितना हो जाएगा, पाई बाय फोर इंटू 5 स्क्वायर इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइव बाय स्क्वायर फाइव बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 बाय 5 का होल स्क्वायर है ना इंटू 2.5 का स्क्वायर रूट, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 बाय 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर रूट, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू रूट ऑफ 2.5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, एक सेकेंड
अच्छा यहाँ पर वी स्क्वायर नहीं आएगा, ये यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर वी स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, तो ये सब गलत है, ठीक है, बेसिक मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, किसी आप मेरे से गलती हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो गेट का पेपर नहीं दे रहा हूँ, आपको देना है तो ध्यान रखना, जितना सॉल्व करोगे इतना मिस्टेक कम होगा, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 माइनस 5 का होल स्क्वायर इंटू 2.5, 15 बाय 5 क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इंटू 2.5 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 प्लस 4.5, तो ये आपका हो जाएगा 22.5, ठीक है, तो ये आपका इन दोनों के बीच का रेंज है, तो ये आपका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट हो गया, अब प्लेन फ्लो हैज अ वेलोसिटी कंपोनेंट u x by t1 v is equal to minus y by t2 and w is equal to 0 along x y and z directions respectively where t1 not equal to 0 t2 not equal to 0 मतलब ये दोनों जीरो नहीं है, जीरो हो जाएंगे तो ये दोनों इन्फिनिटी हो जाएगा ना, ठीक है, इसीलिए आपके जीरो नहीं है, आर कॉन्स्टेंट्स वेयर t1 एंड t2 आर कॉन्स्टेंट्स हैविंग द डायमेंशंस ऑफ टाइम, जिसका डायमेंशन है टाइम, द गिवन फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल इज, ये आपका इनकम्प्रेसिबल है तो कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा, ठीक है, आपका कुछ दिया है क्या, इसमें कुछ नहीं दिया है, तो आप क्या लगाएंगे, डायरेक्ट आप कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना, ये आपका डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, यू क्या है एक्स बाय टी वन, तो डेल एक्स बाय एक्स बाय टी वन क्या हो जाएगा 1/t1, ठीक है। अब एक एक स्टेप बेबी स्टेप मैं नहीं जाऊँगा कि एक एक स्टेप लिखो सॉल्व करो, ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स से आपको आना चाहिए, तो वी की जगह माइनस वाई बाय टी टू, तो y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, ये 1 - t2 ये हो गया, प्लस w तो इज इक्वल टू जीरो है तो इज इक्वल टू जीरो, तो 1/t1 इज इक्वल टू 1/t2, सो t1 इज इक्वल टू t2 ये हो गया, सो d इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट है आपका, अ हॉरिजॉन्टल नोजल ऑफ 30 mm डायमीटर डिस्चार्जेज अ स्टेडी जेट ऑफ वाटर इनटू एटमॉस्फेयर एट द रेट ऑफ 50 लीटर्स पर सेकेंड, द डायमीटर ऑफ द इनलेट ऑफ द नोजल इज 100 mm, अब यहाँ पर 30 mm भी दिया है 100 mm भी दिया है, तो ये क्या इनलेट का दिया है, तो नोजल है ना, तो जो इनलेट है इसका डायमीटर आपका 100 mm है, अब नोजल है ये आपका 30 mm है, ठीक है, यहाँ से जो डिस्चार्ज जा रहा है वो कितना जा रहा है 50 liters per second, ठीक है, ये हुआ, तो जेट इम्पिंजेज नॉर्मल टू अ फ्लैट स्टेशनरी प्लेट क्लोज हेल्ड क्लोज टू द नोजल एंड, तो इसके पास एक हॉरिजॉन्टल सॉरी आपका जेट इम्पिंजेज नॉर्मल टू अ फ्लैट स्टेशनरी प्लेट, आपका फ्लैट है स्टेशनरी प्लेट रखा गया है जो कि बहुत प्लास है नोजल के, और स्टेशनरी है मतलब यू इज इक्वल टू जीरो है, यू जीरो तो के पावर क्या हो जाता है, ये आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर नेग्लेक्टिंग एयर फ्रिक्शन कंसिडरिंग डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg/m³, नहीं भी दिया रहता तो याद करना है, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेट ऑन द फ्लेट, फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना, ये कितना होता है रो क्यू v2 - v1, ठीक है, v2 क्या है यहाँ पर जब आएगा ना तो ये आपका वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में चलेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा वेलोसिटी, ये आपका जीरो हो गया, ये आपका जीरो है, ठीक है, या तो v2 ये ले लो या ले लो कोई बात नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा है ना, सपोज हम ये आपका v1 - v2 लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका जीरो हो गया, तो आपका v1 क्या हो जाएगा, v1 वेलोसिटी यहाँ पर कितना है, तो ये आपका डिस्चार्ज गिवन है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा डिस्चार्ज बाय एरिया, तो ये कितना 15 liters per second, इसको स्टैंडर्ड यूनिट पर सॉरी ये आपका ऐसा में करेंगे तो 15 × 10⁻³ m³/s में जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा π/4 × d², ठीक है, तो d कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी हो जाएगा आपका 30 mm, ये वाला लेंगे, ये वाला मत लेना ध्यान रखना, ये वाला लेंगे तो ये आपको ऐसा ही में 0.03² तो वेलोसिटी हो जाएगा आपका v1 ये हो जाएगा 21.22 m/s, तो यहाँ पर से निकाल लेंगे तो रो कितना है 1000, डिस्चार्ज कितना गिवन है 15 liters per second दिया है 10⁻³, ठीक है, ब्रैकेट में आपका 21.22 - v2 कितना, ये आपका जीरो हो गया, ठीक है, 10⁻³ ये कैंसिल हो गया, तो 15 × 21.22, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 318.29 newton, फोर्स है ना, इसका यूनिट क्या हो जाएगा एसआई में न्यूटन, तो ये आपका 318.29 newton, ठीक है, सो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, इन अ टू डायमेंशनल स्टेडी फ्लो फील्ड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ द एक्स वाई प्लेन द वेलोसिटी कंपोनेंट इन द एक्स वाई एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय वी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी है मतलब ये क्या है, ये यू दिया है, ठीक है, वी एक्स देख के कंफ्यूज मत हो जाना, यू है तो वी एक्स भी बोल सकते हैं, उसमें क्या है वी को वी वाई बोल देंगे, ठीक है, द डेंसिटी वेरीज एज रो इज इक्वल टू 1/x, अब डेंसिटी क्या है, ये वेरिएट कर रहा है मतलब कॉन्स्टेंट नहीं है, मतलब ये इनकम्प्रेसिबल नहीं है, ये क्या है, ये आपका कंप्रेसिबल है ना, ये कंप्रेसिबल है,
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी कंपोनेंट इन द वाई डायरेक्शन। अब वी वाई हमें निकालना है, वी एक्स गिवन है, वी वाई निकालना है। अगेन ये क्या हुआ, ये आपका क्या यूज करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन, दैट इज डेल रो बाय डेल एक्स ऑफ यू। अब यहाँ पर यू नहीं लेंगे, रो यू लेंगे, क्यों, क्योंकि ये कंप्रेसिबल है, ठीक है, भूल मत जाना, डेल रो बाय डेल वाई रो वी। अब आप इसको यू वी भी ले सकते हो, वी एक्स वी यू भी ले सकते हो, वी वाई जो भी लेना, मैंने यू वी ले लिया, ठीक है, प्लस डेल रो बाय डेल टी, तो टी के रेस्पेक्ट में कुछ चेंज हो ही नहीं रहा, तो इसको नेगलेक्ट करेंगे और टू डायमेंशनल है तो आपका डब्ल्यू कंपोनेंट नहीं लेंगे, तो ये इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल बाय डेल एक्स, रो क्या है वन बाय एक्स, यू क्या है आपका, या वी एक्स क्या है, ये आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आपका इन टू में है, प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ रो क्या है वन बाय एक्स, वी क्या है ये हमें निकालना है, वी बोल लो या वी वाई बोल लो, बात एक ही है, इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, ये वन जा, ये एक्स स्क्वायर ये कट गया, तो डेल एक्स बाय डेल एक्स बाय डेल एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये वन प्लस वन बाय एक्स तो कॉन्स्टेंट हो गया ना, तो वन बाय एक्स डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। तो डेल वी बाय डेल वाई क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, तो ये इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो वी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या हो गया, इसमें कॉन्स्टेंट माइनस एक्स वाई तो रहना ही रहना है, कॉन्स्टेंट हो सकता है जीरो या कुछ भी हो, हमें उससे लेना देना नहीं है, तो माइनस एक्स वाई तो रहना ही रहना चाहिए, ठीक है, तो इसमें कौन सा माइनस एक्स वाई, सिर्फ सी में ही आ रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है, अ नोजल इज शो सो शेप दैट द एवरेज वेलोसिटी चेंजेस लीनियरली फ्रॉम 1.5 मीटर पर सेकेंड टू एट द बिगिनिंग टू 15 मीटर पर सेकेंड एट द एंड। अब जो नोजल है, शुरू में आपका 1.5 है, बाद में आपका 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, डिस्टेंस कितना है 0.375, इतने डिस्टेंस में 1.5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ द नोजल, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये आपका एक ही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ हम ए एक्स निकालेंगे, ठीक है, तो ए एक्स क्या होता है, ये आपका डेल यू बाय डेल एक्स, ये हो गया, शुरू क्वेश्चन में देखे हैं, ठीक है, इसका डेरिवेशन में नहीं बताऊंगा आपके, इसमें वी और डब्ल्यू जीरो हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो आपका यू क्या हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, तो 15 इंटू चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 15 माइनस 1.5, कितने डिस्टेंस में 0.375 में, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 540 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, 540 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट है, इन अ फ्लो फील्ड, अ फ्लो फील्ड इज गिवन बाय यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वी इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई और डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, मतलब वेलोसिटी इज इन यू वी और डब्ल्यू डायरेक्शन में गिवन है, डब्ल्यू में तो जीरो है, तो आपका ये 2D वाला केस है। वैल्यू ऑफ द जेड कॉम्पोनेंट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियंस पर सेकंड, रेडियंस पर यूनिट टाइम अप टू 2.7 पल्सेस एट अ टाइम 0-1 इज, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है इन जेड डायरेक्शन, मतलब ओमेगा जेड निकालना है, ये क्या होता है, हाफ ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आई जे एस जे के डेल यू डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल यू वी डब्ल्यू ऐसे करके निकाल लेना, ठीक है, तो डेल यू बाय डेल एक्स माइनस डेल, ये आपका जेड में है ना, तो ये आपका डेल बाय डेल वाई ऑफ, सॉरी ये डेल यू बाय डेल एक्स, एक सेकेंड, ये आपका जीरो हो गया, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ वी आपका ये हो जाएगा, अच्छा ये आपका वी पहले आ जाएगा, तो ये आपका डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी यहाँ पर वी है तो डेल वी बाय डेल एक्स, ठीक है, ये आपका डेल वाई डेल यू बाय डेल वाई डेल यू बाय डेल, ठीक है, मैं भी कन्फ्यूज हो सकता हूँ, ठीक है, तो मैंने अगर रटा होता तो मेरे से मुश्किल और मैं याद ही नहीं कर पाता, मैंने ये डिटर्मिनेंट फॉर्म ध्यान रख लिया, इससे अगर मैं कहीं कंफ्यूज हो जाऊं तो ये मैं डराइव कर सकता हूं, ठीक है, यहां सब्स्टिट्यूट करना है, तो v आपको क्या गिवन है, माइनस एक्स वाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ y, माइनस माइनस माइनस, u को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2y, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3/2 ऑफ y, y कितना है माइनस 1, तो माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, तो आंसर कितना हो गया 1.5, 3/2 1.5, ठीक है, तो ये आपका 1.55 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट है आपका, द वेलोसिटी फील्ड इन अ फ्लो सिस्टम इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 2y x प्लस y z प्लस x प्लस x y z की, द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड एट 1.12 इज, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, ठीक है, ओके, सो एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन कंपोनेंट होता है ये आपका ax इन y डायरेक्शन प्लस ए वाई इन जेड डायरेक्शन प्लस ए जेड इन के डायरेक्शन, तो हमें ए एक्स ए वाई ए जेड तीनों निकालना पड़ेगा, तो ये कन्फ्यूज मत होना कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है,
ओके okay. अब इसका एक ट्रिक क्या है, एक शॉर्टकट कर सकते हैं आप एग्जाम में, जरूरी नहीं इस केस में एप्लीकेबल हो, कि आप ए एक्स वैल्यू निकाल लो। अब इसमें चेक करो जो भी, अगर ए एक्स सही आ रहा है ये सब्स्टिट्यूट करके, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए एक्स से नहीं पता चला तो ए वाई निकालो, फिर ए जेड निकालो, मतलब तीनों निकालने की जरूरत नहीं है, हम तो तीनों ही निकालेंगे। ठीक है, हमें ऐसा थोड़ी पेपर चेक करना स्मार्ट वर्क का, अभी स्मार्ट वर्क करना एक तरीका ऐसा है। ठीक है, तो पहले हम ए एक्स निकालेंगे। ए एक्स का फॉर्मूला मैं वापस डराइव नहीं करूँगा, डराइव एक बार कर चुका हूँ, है ना, दो बार कर चुका हूँ एक्चुअली, एक थ्योरी में एक यहाँ पर। तो यू ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी ऑफ डेल यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू ऑफ डेल यू बाई डेल जेड प्लस डेल यू बाई डेल टी, ये होता है। ठीक है, अब आपका ये आपका डेल यू बाई डेल टी, टी के रिस्पेक्ट में वेरिएशन हो रहा ही नहीं, तो इसको हटा देंगे। तो ए एक्स क्या हो जाएगा, यू आपको दिया है, यू क्या है आपका टू, ये आपका कॉन्स्टेंट है ना, तो ये आपका जो भी डिफरेंशिएशन है ये क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्स ए एक्स क्या हो गया, ये आपका जीरो हो गया। ठीक है, तो आई कंपोनेंट क्या है, ये आपका जीरो हो गया। आई कंपोनेंट जीरो किस में है, एक तो इसमें जीरो है, ये आपका आई कंपोनेंट जीरो नहीं है मतलब ये तो नहीं हो सकता, आई इसमें भी जीरो है, आई कंपोनेंट इसमें भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, या तो ए होगा या तो सी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ए वाई निकालेंगे। तो ए वाई क्या होता है, यू ऑफ डेल सॉरी डेल वी बाय डेल एक्स प्लस वी ऑफ डेल वी बाय डेल वाई प्लस डब्ल्यू ऑफ डेल वी बाय डेल जेड। ठीक है, अब इसमें वी क्या है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स को सब एक्स प्लस वाई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू क्या है, ये आपका टू है, तो ये आपका क्या हो गया, टू प्लस, क्योंकि ये तो वन हो गया, डेल वी बाय डेल एक्स। वी क्या है, एक्स प्लस वाई, पहले तो ये लिख सकते हैं, डेल वी बाय डेल वाई क्या हो जाएगा, ये आपका वन हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज। अब आपका डब्ल्यू क्या है, एक्स वाई जेड, तो पहले तो x y z लिख लेते हैं। ठीक है, अब डेल वी बाई डेल डेल z क्या हो जाएगा, z तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो गया। ठीक है, टू प्लस एक्स प्लस वाई, अब x प्लस वाई इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका फोर आएगा। तो z का सॉरी z कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये आपका फोर हो गया, ये जीरो ये फोर, तो ये ठीक है, ये दोनों तो है ही नहीं। अब इन दोनों में j फोर किस में, इसमें तो नहीं है, तो ये नहीं होगा, तो ये आपका फोर है, फोर j, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट ए z भी हो जाए, इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको सब अच्छा, इसको इजी में करते हैं ताकि यहीं डायरेक्टली देख सकें, इसको सबको मिटा देते हैं। तो ये आपका 4j तो हम निकाल लिए, अब आपका ए जेड है ना, ये हो जाएगा u ऑफ डेल w बाय डेल x प्लस v ऑफ डेल w बाय डेल y प्लस w ऑफ डेल w बाय डेल z, है ना। तो ए जेड इज इक्वल टू z क्या है, सॉरी u क्या है, 2 डेल w बाय डेल x, ये आपका yz हो गया प्लस ये आपका x प्लस y, y के रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स जेड हो गया प्लस w क्या है, ये आपका एक्स वाई जेड, ये हो गया w को z के रेस्पेक्ट में, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स वाई हो गया। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 1 2 करेंगे, तो ये आपका चेक कर लेना, ये आपका 10 आ रहा है। तो z आपका ये आपका k कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये आपका 10 हो गया, सो c इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है आपका, यूनिफॉर्म फ्लो विथ वेलोसिटी यू मेक्स एन एंगल थीटा विथ द वाई एक्सिस एज शोन इन द फिगर। अब ये यू है तो ये मत समझना कि ये स्मॉल यू है, ये कैपिटल यू है, ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये नहीं है, ये रैंडम वेलोसिटी है, ये कैपिटल यू है। ठीक है, तो अगर आपको स्मॉल यू निकालना है ना, स्मॉल यू क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, यू इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये कितना है, ये 90 माइनस थीटा, तो स्मॉल यू क्या जाएगा, यू ऑफ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा डेट इज साइन थीटा, स्मॉल वी क्या हो जाएगा, यू ऑफ कॉस थीटा, ये हो गया, यू और वी निकल गया। ठीक है, द वेलोसिटी पोटेंशियल फाई निकालना है, फाई क्या होता है, तो यू होता है माइनस ऑफ डेल फाई बाय डेल एक्स। ठीक है, यू आप निकाल लिए, यू साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स, मतलब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो फाई क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ यू एक्स साइन थीटा, ये आपका साइन थीटा, ये आपका फाई हो गया, प्लस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या होगा, ये आपका एक्स तो नहीं रहेगा, ये आपका फंक्शन ऑफ वाई हो सकता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ वाई, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन ऑफ वाई हो सकता है। ठीक है, सी एफ ऑफ वाई, जरूरी नहीं है फंक्शन ऑफ वाई ही हो, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, या फंक्शन ऑफ वाई हो ही ना, लेकिन फंक्शन ऑफ एक्स तो नहीं होगा, तो यू एक्स साइन थीटा तो होना ही होना चाहिए, यू एक्स साइन थीटा, तो यू कॉमन लिए तो एक्स के साथ क्या आएगा, साइन थीटा, एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा, ये आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब आपका दूसरा क्या होता है, दूसरा भी चेक करना है ना, फंक्शन ऑफ वाई चेक करेंगे तो ये आपका v इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी वाई होगा। v क्या है आपका, u cos थीटा इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी वाई, तो यहाँ से फाई क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये जाएगा v y cos थीटा, और ये आपका माइनस,
तो u के साथ y, y के साथ cos थीटा, y के साथ cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, ये भी आपका माइनस था, ये भी आपका माइनस था, मतलब दोनों में क्या है, साइन सेम रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x भी रहेगा क्योंकि इंटीग्रेट करें विथ रिस्पेक्ट टू y, तो और y तो नहीं रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, वो फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ y क्या रह जाएगा, यू वाई cos थीटा, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा, यू एक्स कॉन्स्टेंट था, दोनों में साइन क्या हो जाएगा, दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। तो x sin थीटा, y cos थीटा, तो आपका b इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दोनों में साइन आपका सेम है, प्लस माइनस होगा तो माइनस कॉमन ले लिए, प्लस होगा तो प्लस कॉमन ले लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है द वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन एक्स वाई डायरेक्शंस फॉर द इनकंप्रेसिबल फ्लो आर गिवन बाय, यू गिवन है माइनस फाइव प्लस सिक्स एक्स और आपका वी गिवन है माइनस ऑफ नाइन प्लस सिक्स वाई रेस्पेक्टिवली। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन हमें बताना है, स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन क्या होता है, सिंपल, डेल एक्स बाय यू प्लस सॉरी इज इक्वल टू डेल वाई बाय वी। अब ये आपका 2D है, तो अगर आपका 3D रहता तो डेल W बाय सॉरी डेल Z बाय W, तो आपका 2D है 3D नहीं है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें सॉल्व करना है, X क्या सॉरी U क्या है, U है आपका माइनस फाइव प्लस सिक्स एक्स और आपका V क्या है, V है आपका माइनस ऑफ नाइन प्लस सिक्स वाई। इसको सॉल्व करना है, तो इसको आपको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट किए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एल एन माइनस फाइव प्लस सिक्स एक्स बाय सिक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ माइनस एल एन ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, आप यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा कैसे करते हैं, मैथमेटिक्स में अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ये हो गया प्लस सी, अब यहाँ पर रीअरेंज कर लेंगे, तो एल एन ऑफ माइनस ऑफ फाइव प्लस सिक्स एक्स प्लस एल एन ऑफ नाइन प्लस सिक्स वाई, अब ये सिक्स सिक्स कॉमन लेके इज इक्वल टू सिक्स सी, ये ले लिए। अब log ऑफ a प्लस log b, log a प्लस log b क्या होता है, log a b दोनों का इंटू हो जाएगा, मतलब ln ऑफ माइनस फाइव प्लस सिक्स एक्स इंटू नाइन प्लस सिक्स वाई, है ना, ये हो गया सिक्स सी। अब ये क्या हो जाएगा, ln टू द पावर e है, नेचुरल log है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसको अलग पेज में लिख लेते हैं, तो माइनस फाइव प्लस सिक्स एक्स इंटू नाइन प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर सिक्स सी, ये हो गया। ये क्या है, ये आपका कॉन्स्टेंट है, मतलब माइनस फाइव प्लस सिक्स एक्स इंटू नाइन प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हो गया। सो ये क्या है, आपका कौन सा मैच कर रहा है, ये तो आपका इंटू में है ना, ये आपका डिवाइड में, ये आपका डिवाइड में, ये आपका माइनस में, हमें किस में चाहिए, ये आपका इंटू में आया था ना, तो ये आपका इंटू में, सो आपका ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपका ए इज द करेक्ट आंसर। सो वन मार्क्स पर इतना ही पूछा गया था, थैंक यू वेरी मच।